Assalamu alaikum students of 9th class. It's our fourth lecture of grammar. आज हम अपने जो पीछे हमने तीन टेंस किए हैं इंडेफिनेट पास्ट और कंटिन्यूअस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आज हम उनके सिंपल सेंटेंस और उनको एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन को पढ़ेंगे उनके आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे किस तरह हमें पता चला ये सिंपल कौन सा टेंस है और किस तरह हम इसको पैसिव करें ठीक है ना एक्टिव वाइज में हमारे पास सिंपल सेंटेंस आता है पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सा टेंस है और इस टेंस में किस तरह एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेट होना चाहिए जैसे है She writes a book. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है She के साथ एस लगा हुआ है राइट के साथ तो अब बुक है कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है सिंपल जब हमने इसको एक्टिव टू पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आ बुक शी को सब ऑब्जेक्ट बनाना है उधर जाके तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देनी है हर बाय के साथ ठीक है ना अब बुक अब आगे हमारे पास ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट तो जब हम इसको पैसिव करना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या है इज एम और आर अब बुक इज अब जाहिर बात है बुक सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे ठीक है अब हमने इसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाया है इस सब्जेक्ट के लिहाज जो जिस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं अब बुक इज रिटन बाय हर वर्ब में हमेशा हम कैसे लगाते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसी तरह आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे She is writing a book. अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में आ दिया अब इज है इज एम आर है आई एन जी लगा है तो हमें पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है ठीक है अब बुक इज अब कॉन्टिन्यूस का हम पैसिव करना है तो इसमें बीइंग का हमने इजाफा कर दिया अब बुक इज बीइंग रिटन बाय हर ठीक हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया कॉन्टिन्यूस का टेंस था बीइंग का इजाफा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई और ये हमारा पैसिव टेंस कंप्लीट हो गया इसी तरह रहते हैं हमारे पास टेंस सेंटेंस आ रहा है शी हैज़ रिटन अ बुक हैज़ आ गया परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो गई थर्ड फॉर्म भी यूज हो गई मतलब हैज़ है तो प्रेजेंट का है और रिटन थर्ड फॉर्म है तो कौन सा प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है अ बुक हैज़ बीन अब इसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे और रिटन करेंगे हैज़ बीन रिटन बाय हर इसी तरह आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट इसमें हमारे पास कौन सा टेंस है शी रोट अ बुक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है पैसिव करेंगे तो हम पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब लिया अ बुक वाज रिटन बाय हर इसी तरह आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे शी वाज राइटिंग अ बुक वाज आ गया कंटिन्यूस हो गया आई एन जी आ गया पास्ट कंटिन्यूस हो गया पास्ट कंटिन्यूस को जब पैसिव करेंगे तो बीइंग का इजाफा करेंगे अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हर इसी तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट में शी हैड दिस इज हैड ओके एच डी हैड आ गया थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट पे चले गए पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव किया अब बुक हैड बीन का इजाफा हुआ रिटन बाय हर ये थे सिंपल सेंटेंसेस की डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के साथ साथ उनकी फॉर्मेशन एक्टिव टू पैसिव That will be helpful in your exams and your understanding and converting your sentences. Allah Hafiz students. इसी तरह हम